बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम क्लास फोर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर वीडियो लेसन फॉर इंग्लिश। हाउ आर यू एवरीवन? आई होप एंड आई प्रे कि आप सब ठीक होंगे। सो क्लास फोर स्टूडेंट्स, टेक आउट योर इंग्लिश ए बुक्स। एज यू नो क्लास फोर स्टूडेंट्स, वी आर ऑन यूनिट थ्री। हम यूनिट थ्री को कम्प्लीट कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने इसकी रीडिंग की थी प्रीवियस पेजेस की, और ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, थोड़ी सी फनी भी थी। इट्स अबाउट राइनो एंड अ फिशरमैन। इसमें दो ही करेक्टर्स हैं। जैसा कि आपने इसका पार्ट वन पढ़ा और हमने देखा कि इसमें टू करेक्टर्स थे, वन वॉज फिशरमैन एंड अदर वॉज राइनो, यू कैन सी। एंड वी हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन ऑल्सो कि हु आर द करेक्टर्स इन द स्टोरी, हाउ कैन यू डिस्क्राइब दैम। आज हम इस स्टोरी को कम्प्लीट करेंगे, देन ओनली वी आर एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। सो लेट स्टार्ट इट्स पार्ट सेकेंड पार्ट। ओपन पेज नंबर 19। पेज नंबर 19 को ओपन करें सो दैट वी कैन कम्प्लीट इट्स सेकेंड पार्ट। एक्सरसाइज ए, रीड पार्ट टू ऑफ द स्टोरी, हाउ द राइनोसोरस गॉट हिज स्किन। अब वो कह रहे हैं पार्ट टू इसका पढ़ें स्टोरी का, और बताएं कि राइनोसोरस ने अपनी स्किन कैसे मिली उसको। देन चूज द करेक्ट वर्ड इन दीज सेंटेंसेज, और उसमें जो करेक्ट वर्ड यानी जो सही आंसर है उनको चूज करना है। इन द एंड द राइनो लुक द सेम डिफरेंट, इन द एंड द राइनो हैड अ बेटर वर्स टेम्पर देन बिफोर। अभी आप स्लैश देख रहे हैं, इन दोनों में से हमने सिलेक्ट करना है कि इन द एंड जब स्टोरी की एंड हुई थी राइनो सेम था या डिफरेंट था, और जब स्टोरी का एंड हुआ तो हमने बताना है कि राइनो जो है वो बेटर है यानी बेहतर है पहले से, वर्स या बुरा टेम्पर उसका मिजाज है पहले से। तो क्लास जब हम ये स्टोरी कम्प्लीट करेंगे देन ओनली वी आर एबल टू आंसर। सो लेट स्टार्ट। आप पेंसिल अपने हाथ में पकड़ें ताकि आप डिफ़िकल्ट वर्ड के मीनिंग लिखें। After splashing and blowing bubbles into the water, the rhinoceros came out and onto the beach. अब वो कह रहे हैं कि पानी आपने देखा, प्रीवियस पार्ट में आपने देखा था कि राइनोसोरस बीच में चला गया था, सी में यानी पानी में चला गया था, और उसने अपनी स्किन जो है वो टेक ऑफ कर दी थी यानी उतार कर बीच पे रख दी थी यानी रेत पे, बीच सैंड पे, ठीक है। अब स्प्लैशिंग एंड ब्लॉइंग का मतलब क्या होता है? स्प्लैशिंग का मतलब होता है पानी में जैसे हाथ मार के स्प्लैश करना, पानी को उड़ाना। एंड ब्लॉइंग बबल्स मीन्स पानी में मुंह डाल के ऐसे ब्रर करना, राइट। आपने अक्सर देखा होगा कि राइनो का हाफ फेस जो होता है वो पानी के अंदर होता है, और बबल्स से उसकी एयर बबल्स की वजह से पानी में बबल्स बनते हैं। अब उसने पानी को इस तरह उड़ाने और बबल्स बनाने के बाद वो स्पीच पे आ गया, बाहर आ गया, केम आउट मीन्स बाहर आ गया। देन ही पुट ऑन हिज स्मूथ शाइनी स्किन। पुट ऑन का मतलब होता है क्लास पहन लेना, और ठीक है टेक ऑफ मतलब उतार लेना, पुट ऑन मीन्स पहन लेना। तो उसने अपनी शाइनी चमकदार स्किन जो थी वो पहन दी। एंड फैसन इट विद द थ्री बटन्स। फैसन का मतलब होता है बांधना या बंद करना, जैसे अगर आप एरोप्लेन में सफ़र करें, इफ़ यू ट्रैवल इन एरोप्लेन, तो उसमें भी होता है कि फैसन योर सीट बेल्ट। इसका प्रोनाउंसिएशन है फैसन, ठीक है। आपने इसको फास्टनड नहीं पढ़ना, नो, फैसनड। फैसन का मतलब होता है बांधना या बंद करना। सो उसने अपनी जो स्किन के नीचे के थ्री बटन्स थे उनको बंद कर दिया। क्लास देखें, अगर आप ओरिजिनली या रियलिटी में देखें तो ऐसा तो नहीं होता कि राइनोसोरस के बैली या टमी के नीचे थ्री बटन्स हों स्किन के। सो इट इज़ स्टोरी, इट्स फैंटेसी, और इट्स यू कैन से कि इमेजिनरी, इमेजिनेशन में ये सारी बात की गई है। अंडर नीथ हिज टमी, यानी उसके टमी पेट के नीचे, टमी मीन्स पेट, अंडर नीथ नीचे, समथिंग वॉजेंट क्वाइट राइट, कुछ सही नहीं था यानी कुछ गड़बड़ थी। सो ही मूव्ड अराउंड, और वो इधर उधर घूमने लग गया। Something was definitely wrong. कुछ वाकई ही गलत था। क्या गलत था क्लास? His skin tickled. उसकी जिल्द में tickling होने लग गई यानी गुदगुदी होने लग गई या बेचैनी सी होने लग गई। किस वजह से क्लास? What do you think? Yes, क्योंकि उसकी skin में fisherman ने केक के crumbs यानी केक के बड़े बड़े small particles या parts रख दिए थे। Crumbs होते हैं parts, छोटे parts। तो केक के parts रख दिए थे और उसकी वजह से वो अब उसको चुभ रहे थे या गुदगुदा रहे थे, ठीक है क्लास। ऑफ़ कोर्स इट टिकल, जाहिर है वो उसको गुदगुदी हुई या बेचैनी हुई, बिकॉज इट वॉज़ फुल ऑफ टाइनी हार्ड ब्लैक टिकलिश के क्रम्स, क्योंकि उसकी जो स्किन थी वो भरी हुई थी, फुल ऑफ मीन्स भरे हुए, टाइनी हार्ड छोटे और सख, टाइनी मीन्स छोटे, ब्लैक काले रंग के टिकलिश यानी गुदगुदी करने वाले या बेचैन करने वाले केक क्रम्स यानी केक के टुकड़ों से। ही रोल्ड इन द सैंड, उस वो ज़मीन में रोल होने लग गया या लपेट, सैंड यानी रेत में रोल होने लग गया, लपेटने लग गया। He scraped his back against the rock. Scrap means खुरचना, जैसे ख़ारिश की तरह। Scrap का मीनिंग आप खुरचना लिखेंगे, वो अपनी जो पीठ थी उसको खुरचने लग गया। Rock यानी कोई उधर पत्थर था या छोटा सा कोई इस तरह का हार्ड स्टोन टाइप, उससे। Then he started to rub himself against the tree. अब उसको इतनी गुदगुदी और ख़ारिश सी हो रही थी कि उसने अपने आप को ट्री के साथ रगड़ना शुरू कर दिया। Rub means रगड़ना। He rubbed and rubbed and he rubbed so hard. वो अपने आप को रगड़ता गया और रगड़ता गया इतनी ज़ोर ज़ोर से कि so that the skin rolled over into wrinkles and folds. कि उसकी स्किन जो थी उसमें झुरियाँ पड़ गई। रिंकल मीन्स झुरियाँ, ठीक है। यू कैन सी हेयर
ये देखें पिक्चर में भी नज़र आ रही हैं रिंकल्स एंड फोर्स, और उसमें जो हैं वो तहें सी आ गई, जैसे अगर आप राइनो की स्किन देखें तो वो एकदम बराबर या इक्वल नहीं होती, उसमें फोल्ड्स होते हैं, रिंकल्स होते हैं। एंड द थ्री बटन्स अंडर हिज टमी बिकेम हिडन अंडर द फोल्ड्स ऑफ थिक स्किन, और उसके जो टमी के नीचे थ्री बटन्स थे वो छुप गए, हिडन मीन्स छुपना, ठीक है क्लास, वो छुप गए उसकी मोटी, थिक मीन्स मोटी जिल्द के नीचे, और फोल्ड्स के नीचे जो उसकी स्किन फोल्ड होने लगी। Ever since that day, तब से उस दिन के बाद से क्लास, rhinoceros have had wrinkly skin. Rhinos की जो skin है वो झुर्रियों वाली है because of the ticklish crumbs. किस वजह से झुर्रियों वाली है? क्योंकि उनकी skin के अंदर है ticklish crumbs, गुदगुदी करने वाले टुकड़े inside अंदर, and have had extremely bad tempers. और इसलिए उनका जो मिजाज है वो extremely बहुत ज़्यादा बुरा है. Extremely means क्लास बहुत ज़्यादा, ठीक है, टेम्पर मीन्स मिजाज। और बैड का आपको बताया था, फिशरमैन कंटिन्यूड टू बेक केक्स फॉर हिज चिल्ड्रन, और जो फिशरमैन था, मछेरा था, उसने जारी रखा केक को बेक करना, यानी केक बनाना अपने बच्चों के लिए, एंड हिज ग्रैंड चिल्ड्रन, और अपने आगे से बच्चों के बच्चों के लिए, विच ही सर्व विद अ पीस ऑफ एडवाइस, जो वो उनको पेश करता था, सर्व मीन्स पेश करना, विद दिस पीस ऑफ एडवाइस, यानी इस नसीहत के साथ। लास्ट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एडवाइस? नसीहत, ठीक है, वो क्या नसीहत थी? दे दैट टेक केक्स, वो ले गए या उन्होंने ले लिया वो केक, विच द फिशरमैन बेक्स, जो फिशरमैन ने बेक किया था या मछेरे ने बनाया था, मेक ड्रेडफुल मिस्टेक, और की खौफनाक गलतियाँ। सो क्लास, ड्रेडफुल मीन्स खौफनाक एंड मिस्टेक्स मीन्स गलतियाँ। सो ओवर पार्ट ए इज़ ऑल्सो एक्सरसाइज ए एंड पार्ट टू इज़ कम्प्लीटेड, और हमने इससे क्या असेस किया कि राइनोसेरोस की स्किन जो रिंकली और जो फोल्डेड है वो इसलिए है क्योंकि किसी फिशरमैन ने उनकी स्किन में डाल दिए थे केक के क्रम्स, और उसकी वजह से उनका अब टेम्परामेंट भी, यानी उनका मिजाज भी बहुत बुरा है। सो क्लास, ओवर स्टोरी इज़ कम्प्लीटेड। एक्सरसाइज बी जो है वो हमने बुक पे ही अटैम्प्ट करनी है, इट इज़ योर होमवर्क, आपने इसको करना है, बहुत इजी है, यू कैन सी ये जो आंसर्स हैं इनको आपने फिल करना है, और ये सारे जो सेंटेंसेस हैं, क्वेश्चंस हैं, ये स्टोरी में से ही लिए गए हैं। सो इट इज़ एक्सरसाइज बी इज़ योर होमवर्क एंड एक्सरसाइज ए भी आपकी होमवर्क है, पेज नंबर 18 की, ठीक है, आपने ए और बी एक्सरसाइज पेज नंबर 19 की करनी है एज अ होमवर्क। इसमें भी बहुत इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है, रीड द टेक्स्ट अबाउट पैंथर्स। अब वो कह रहे हैं कि ये जो टेक्स्ट है ये पैंथर्स के बारे में, पैंथर्स आपको पता है क्या होते हैं? सांप। राइट एफ वेर यू थिंक द सेंटेंसेस ऑफ फैक्ट, फैक्ट क्या होता है? हकीकत पे मबनी कोई चीज़, ठीक है, तो कह रहे हैं कि आपने एफ लिखना है जहाँ पे आपको लगे कि ये ठीक है, हकीकत वाली बात है। राइट ओ वेर यू थिंक द सेंटेंस इज एन ओपिनियन, ओपिनियन का मतलब क्या होता है? तजवीज़ या मशवरा, ठीक है, या कोई आइडिया। सो वो अब कह रही हैं कि आपने ये सेंटेंसेस पढ़ने हैं, ये टेक्स्ट पढ़ना है जो कि पैंथर के बारे में लिखा हुआ है, और जहाँ पे आपको लगे कि बिल्कुल सही लिखा हुआ है वहाँ आप एफ़ लिख देंगे इन ब्रैकेट्स में, और जहाँ आपको लगे कि ये तजवीज़ है, ओपिनियन है या राय है, तजवीज़ मीन राय, तो वहाँ पर आप क्या लिखेंगे? ओ। सो क्लास, आपकी पेज नंबर 18 की एक्सरसाइज ए होमवर्क एंड पेज नंबर 19 की एक्सरसाइज बी इज़ होमवर्क। टिल देन क्लास, इसकी कॉपी वर्क और लेटर ऑन सारा वर्क हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और जो इसका आंसर था स्टार्ट में कि हु आर द करेक्टर्स इन द स्टोरी, हाउ कैन यू डिस्क्राइब देम, तो इसके करेक्टर्स कौन है स्टोरी में? वन इज़ फिशरमैन, सेकंड इज़ राइनो, और अब हम उनको कैसे डिस्क्राइब करेंगे कि फ़िशरमैन ने बदला लिया राइनो से, किस वजह से? केक खाने से। तो केक राइनो जो है वो बैड मैनर्ड है और बैड टेम्पर्ड भी है, और ये जो क्वेश्चन है, इन द एंड द राइनो लुक द सेम डिफरेंट, राइनो लुक द डिफरेंट, क्यों डिफरेंट हो गया वो? क्योंकि उसकी स्किन हो गई रिंकल्ड और फोल्डेड केक क्रम्स की वजह से। इन द एंड द राइनो हैड अ बेटर वर्स टेम्पर देन बिफोर, और एंड में उसका जो टेम्पर, जो मिजाज था वो मजीद बुरा हो गया, वर्स मीन्स बुरा। सो क्लास, ओवर रीडिंग इज़ कम्प्लीटेड। एक्सरसाइज जो मैंने आपको कही है आपने ये लाजमी हो, ऐसा होमवर्क करनी है। टिल देन नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।